स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार गौरव। पति पत्नी का रिश्ता बेहद पवित्र होता है, एक ऐसा रिश्ता जो जन्म जन्म तक साथ निभाता है। लेकिन एक पति ने इस रिश्ते का ही कत्ल कर दिया, इस रिश्ते की रूह की हत्या कर दी। नूह में एक पति दहेज के लिए पत्नी को सालों तक पीटता रहा, उसे चुबन भरे ताने मारता रहा। लेकिन हद तो तब हो गई जब पति ने पेड़ से बांधकर पत्नी के प्राइवेट पार्ट्स को लाठी से लहूलुहान कर दिया। आज समाज के शैतानों से बात करेंगे कि आखिर ये हैवान क्यों बन जाते हैं, क्यों इन्हें किसी का डर नहीं होता, क्यों इनके सिर शैतान चढ़कर बोलता है। और एक अहम मसले पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसे मामलों में पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में क्यों आ जाता है, क्यों पुलिस की कार्यप्रणाली कटघरे में नजर आती है। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। कहते हैं हर चीज की एक हद होती है, लेकिन क्या आपने गैर हद हैवानियत देखी है? नूह के ओहता गांव में समाज का शैतान एक बार फिर हैवान बन गया, जहां रिश्ते शर्मसार हो गए और एक महिला की रूह पर ऐसा कातिलाना वार किया गया जिसे सुनकर आपको लगेगा कि इंसानियत मर चुकी है। और ये गैर हद हैवानियत है। नूह के ओहता गांव में एक पति ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी पत्नी को पेड़ से बांधकर लाठी से उसके गुप्तांग को लहूलुहान कर दिया। 2007 से मेरे शादी हुई थी, उसी टाइम से मेरे गेल जास्ती करने लग गए कि 1,00,000 रुपए दे के तो मोटरसाइकिल दे जब रखेंगे। फिर भी मेरे गांव वाले को आके मुझे लाता रहा जाता रहा। फिर भी मेरे गेल 3 तारीख को ये गेद के मेरे संग मेरे घर वाले ने सारे कपड़े उतार कर मेरे संग शरीर में लाठी शरीर की करी थी। मेरे सास ससुर घरे खड़े थे। फिर मैंने मेरे मुंह में लत्ता भर दिया। लत्ता भर के नहीं, मैंने उससे रोड में जाई थी, मैं पिस लग रही है। फिर पिस के बाद मेरे नीम के बांध दिया और फिर लेटरिन को पानी पियाया। आपने खुद सुन लिया होगा पीड़िता के मुँह से दरिंदगी की दास्तां को। गैर हद हैवानियत क्या है पूरा मामला? साल 2007 में पीड़िता का आमीन नाम के शख्स से निकाह हुआ था। शादी के बाद से पीड़िता को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया गया। पीड़िता ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर केस कर दिया। कोर्ट के आदेश पर 29 अगस्त 2008 को दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया। लेकिन ससुराल वालों में पीड़िता के प्रति बदले की भावना पनपती रही। 3 दिसंबर की रात को पति आमीन ने अपने घर में खड़े नीम के पेड़ से अपनी पत्नी को बांधकर खूब पीटा। इतना ही नहीं, उसके गुप्तांग को लाठी डंडों से लहूलुहान कर दिया। ससुराल वाले इसको 2007 से तंग करता रहे हैं। 3 तारीख को शाम को इसके ससुराल वालों ने इसके हस्बैंड और उस सास ससुर जेठ जिठानी ने इसके साथ गुप्तांगों में लाठी की और उसको बुरी तरह मारपीट की। और जब इसने पानी मांगा तो इसको गंदा पानी पिलाया गया। पानी पिलाने के बाद में जब इस चुपके से इसको कोई मोबाइल हाथ लग गया घर से, फिर इसने अपने घर वालों को मम्मी से बात की तो सारी बातें अपनी मम्मी को बताई। बताने के बाद में इसके परिवार वाले इसके ससुराल आए, वहाँ से इसको सीधा महिला मंडल लाए। महिला मंडल वालों ने इसका शारीरिक परीक्षण मेडिकल कॉलेज में कराया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है।
पीड़िता के पिता के मुताबिक पुलिस इस मामले में उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही और पुलिस कार्रवाई इसने आमीन और सुसरे ने करवाई, सुसरे ने इस पर हाथ भी डाला है, सुसरे ने आगे मेरी बन कर रहा है और इसका गेट है और कहे कि इस पर कुत्ता छुड़वाओ, ये वो कुछ करवाओ, ऐसी ऐसी नौबत करी है और छोरी की हालत देख के नहीं हम सीधे महिला मंडल में लाए, महिला मंडल में ला के नहीं हमने वहाँ मेडिकल करवाया है और आज चार दिन हो गए हमें हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पीड़िता ने सिर्फ अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। तो क्या अपने सास ससुर के खिलाफ लगाया 164 में कराया था, लेकिन जो हमारे पास एफआईआर इसमें हमने ससुर के खिलाफ ही एलिगेशन लगाया। साफ है कि समाज का एक बार फिर बेहद क्रूर, बेहद ही बदसूरत चेहरा सामने आया है, जहाँ इंसानियत का कत्ल तो हुआ ही, साथ ही रूह की हत्या कर दी गयी। ऐसे में अब इस पीड़िता के साथ हमारा सिस्टम भी गंदा खेल खेलता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों हमारा समाज इतनी बेरहमी से संवेदनाओं को तिलांजलि दे देता है। मेवात से यूनुस अलवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हैवानियत के इस नंगे नाच पर चर्चा शुरू करें उससे पहले हरियाणा न्यूज कुछ सवाल उठाना चाहता है आपके सामने, प्रशासन के सामने, समाज के सामने। और वो सवाल ये है कि समाज में दहेज का शैतान कब तक जीवित रहेगा, क्यों समाज पर हिंसा हावी हो जाती है, महत्वपूर्ण सवाल है। क्यों रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। क्यों संवेदनशील से संवेदनहीन हो रहे हैं लोग, ये तमाम सवाल आता है। क्यों पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में रहती है, महत्वपूर्ण सवाल है और इन सवालों के बारे में चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सामाजिक दृष्टिकोण से भी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी, कानूनन भी। हम चर्चा शुरू करते हैं, हमारे साथ राकेश चौधरी जी अधिवक्ता हैं, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। राकेश जी बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी एक बात बताइए कि एक तो ये पति पत्नी का रिश्ता इतना कोमल, इतना नाजुक, इतना खूबसूरत होता है, जो हमारे समाज के इस ताने बाने को की जो परिकल्पना है उसको सबसे ज्यादा पुख्ता बनाता है, सबसे उसकी बेसिक कड़ी है, उसके बावजूद आपको क्यों लगता है कि कहाँ सिर्फ दहेज के लिए लोग इस हद तक उतर आते हैं? देखिए पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं ये हमारे समाज के ऊपर एक कलंक है। इस तरह की घटनाएं आज के टाइम पे जब समाज हमारा इतना पढ़ा लिखा हो गया और इतनी हमने तरक्की कर ली, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और जहां तक की रिश्ते की बात है तो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक बहुत ही अच्छा गहरा और एक दूसरे को समझने का, मतलब एक दो जिस्म और एक जान की तरह होते हैं। इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो वो कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आदमी है वो कहीं ना कहीं मानसिक जो संतुलन है या उसका जो मेंटली लेवल है वो कहीं ना कहीं खराब हुआ होगा या कुछ शायद उसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई होगी। और जहां तक कुछ भी कह के इसको मेरे हिसाब से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि इस तरह की घटना को किसी भी परिस्थिति में कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। मैं घरेलू हिंसा के बारे में अपने दर्शकों से एक साझा करना चाहता हूं कि क्या है ये घरेलू हिंसा। धारा 2 और 3 के अनुसार शारीरिक दुर्व्यवहार अर्थात शारीरिक पीड़ा, अपहानि या जीवन या अंग या स्वास्थ्य को खतरा, या लैंगिक दुर्व्यवहार अर्थात महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार करना या अतिक्रमण करना, या मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार अर्थात अपमान, उपहास, गाली देना, या आर्थिक दुर्व्यवहार, आर्थिक या वित्तीय संसाधनों जिसकी वो हकदार है उससे वंचित करना, ये सभी घरेलू हिंसा के पार्ट में आते हैं। और यहाँ तो हिंसा ऐसा है कि उसके प्राइवेट पार्ट तक को लहूलुहान कर दिया गया, उसको पेड़ से बांध कर, इसको क्या कहेंगे आप? राकेश जी मैं बताना चाहूंगा आपको, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो पूरी तरह से एक वुमेन को सपोर्ट करता है, लेकिन जिस तरह से उसको पीटा गया है उसके प्राइवेट पार्ट्स को या कहीं भी उसको मारा पीटा गया है, दहेज के लिए मारा है तो दहेज के लिए अलग सेक्शन लग जाएंगे, अगर उसको मारा पीटा गया है जैसे लाठी से मारा गया है तो आईपीसी में 325 है हमारे, इस तरह की सेक्शन में एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लेकिन एक अलग से भी अगर घरेलू हिंसा इस तरह की होती है तो अलग से एक एक्ट बनाया हुआ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उस एक्ट में भी वुमेन के लिए
प्रावधान है कि वो अपने आप को बचाने के लिए या अपने साथ में जो भी हिंसा उसके साथ होती है तो उसके लिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। दूसरी बात ये है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं इसमें समाज को अपना योगदान देना चाहिए, समाज को योगदान देना चाहिए। ठीक है, यूनुस अलवी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पे है। यूनुस, अब तक क्या कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ से? अभी मैं आपको बता दूं, केवल कल मेरी डीएफसी से बात जो हुई है, उन्होंने कहा है कि केवल जो पति है महिला ने उसके खिलाफ जो शिकायत की है उसको अरेस्ट कर लिया है और अदालत में उसके खिलाफ जो है रेप का मामला दर्ज कर उसको जेल भेज दिया है। जब हमने उनसे पूछा, जी यूनुस सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है संपर्क टूट गया। रखी चीज, जैसा हमने सुना रेप का मामला दर्ज हुआ है, तो क्या सिर्फ रेप का मामला बनता है या इस परिस्थिति में जिन परिस्थितियों को पीड़िता बता रही कि उसको पेड़ से बांध कर मारा गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स को नुकसान पहुंचाया गया और उसको बाध्य किया गया कि उसको जानवरों की तरह ट्रीट किया गया, क्या सिर्फ रेप का मामला बनता है या और भी कई धाराएं लगनी चाहिए इसमें? देखिए, जहां तक कि आपने मुझे बताया, मैंने एफआईआर का वर्जन पढ़ा नहीं है। आप माफी चाहूंगा, एक बार फिर से रोक रहा हूं, पीड़िता खुद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है। जी मैडम, आपने जो शिकायत की उसके बाद अब तक पुलिस की जो कार्रवाई हुई उससे आप संतुष्ट हैं? हेलो, पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं अब तक? जी, 2007 को आई थी मैं। हाँ। और जी मैं उसी टाइम से जानना से मेरे संग जास्ती करती थे, 1 लाख रुपया मोटरसाइकिल देव, फिर भी मेरे गांव वाले मुँह करते रहे जाते रहे, फिर भी मेरे 3 तारीख को 8 बजे मेरे शरीर में लाठी शरीर के करी थी वो। जब मैंने उससे पानी मांगा था तो वो जबरदस्ती मेरे नीम को बांध के लेटरिन का पानी पिया था। और एक बच्चा, जब फिर हमारे गांव के मैंने सुबह ही 10 बजे फोन किया तो मैंने अपनी माँ को बतलाई थी, तो माँ तो गांव को पंचायत लेके ओहते गांव गई, ओहते गांव से लेके नहीं, जब हमारे गांव के ने कही कि लड़की को रख लो तो उन्होंने कही 2 लाख रुपए नाम कर दो, जब रखेंगे नहीं ले जाओ अपनी लड़की। फिर मेरे गांव के मुझे नुगली सुविधा महिला मंडल में लाए और महिला मंडल से मैं लल्लट पहुंची और मेरा लड़का मासूम है, वो बच्चा उसको मारते थे, कह कहते लड़का लेटा गेंडा लाइए इसको जान से मारूंगी। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि आपने पुलिस में शिकायत करवाई, पुलिस ने सिर्फ आपके पति को अरेस्ट किया है, क्या सिर्फ आपके पति आपके साथ ये व्यवहार करते थे या उनके परिवार के बाकी लोग भी आपके साथ ऐसा करते थे? जी पुलिस को कार्रवाई नहीं कर रही थी, हम 4 दिन से यहीं पड़े थे जी, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही थी, पर मंत्री बुला के जने पैसा खाए के जड़ क्या खाए पता नहीं है जी। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या सिर्फ आपका पति आपके साथ ऐसा व्यवहार करता था या उसके परिवार के लोग भी उसमें शामिल होते थे, उसकी मदद करते थे? पति ने उतारा था जी, मेरे पति ने करा था ये क्रम और वह सारे बाहर लोग खड़े थे, 5 जने उमर मुख्तियार असमीना ये बाहर खड़े थे और मेरा आदमी कर रहा था, जब करा करी श्रंजी के संगे से। हाँ। ये मेरे संग जब हाल करा था जबरदस्ती। हाँ। और फांसा मंगवाया था मेरे। ठीक है, अब आप क्या चाहती हैं कि पुलिस क्या सजा दे ऐसे व्यक्ति को? जैसे मेरे संग जैसे मेरे जिस्म में करा था ऐसे ही उसके संग में तो कार्रवाई चाहती थी, मेरे जैसे मेरे गेल इसको गेल होना। ठीक है, बच्चा कहाँ है आपका अभी? बच्चा वहीं है जी, मार रहे थे उसको, अब कैसे लाप लाप बच्चा मासूम का प्रो मेरे आगे पाते थे, अब तुम ही मंगवाओ फिर। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ मैडम कि जब ये सब होता था, जब आपके साथ इतनी मारपीट होती थी, आपकी तरह से जानवरों की तरह व्यवहार होता था, तो उसके घर के लोग कुछ नहीं कहते थे, आस पड़ोस के लोग कोई बीच बचाव नहीं करते थे? कहता इसको मारो जी, कहता इस रंडी को मारो करो जी, जब भी जेल में जाना जब भी जाना जान से मार दो। कौन कहता था ये? उमर कहता था, अकबरी मुक्ति आरजमी कहता था। हाँ, ये कहता था मेरे संग को। ठीक, आप हमारे साथ रहिए लाइन पे। इरफान, आपके वकील भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। इरफान जी, आप इस केस को देख रहे हैं, कौन कौन सी धाराएं लगाई हैं पुलिस ने इसमें? जी 376 लगाई है फिर पोस्ट एक्ट के लिए, इन्होंने लड़की के कुछ सैंपल भेजे हैं लैब में, उसके आने के बाद में और धाराएं ऐड होंगी इसमें, लेकिन पुलिस जानबूझकर इसको कार्रवाई को नहीं करना चाहती, वे दोषियों के साथ मिली हुई है। पुलिस दोषियों के साथ मिली हुई, कैसे? आप ये क्यों आरोप लगा रहे हैं जी?
मैं इसलिए आरोप लगा रहा हूँ जी, लड़की ने मेरे सामने और उस दौरान जिस टाइम ये हादसा हुआ था, हाँ। लड़की को महिला थाने लाए थे, हाँ। तो महिला थाने के लाने के बाद में लड़कियों ने 5 दोषियों के नाम लिए थे, लेकिन पुलिस ने दोषियों से मिलकर एक के खिलाफ FIR की थी। उनके साथ इनोलो के एक्स MLA चौधरी इलियास अहमद जी आए थे, उन्होंने BSP से साठ गांठ होकर 4 बंदों के नाम किसके साथ आए थे ये? किसके साथ आए थे ये? कौन जी? किसके बारे में आप कह रहे हैं? इनोलो का किसी नेता का नाम ले रहे थे आप? इलियास MLA जी। तो किसके फेवर में आए थे वो? पूर्व मंत्री है जी। ठीक है, ये लड़के वालों की तरफ से आए थे, के साथ आए थे उन्होंने, हाँ। वहाँ पर पंचायत में कुछ अशोभनीय बात की, हाँ। और जबकि हमने ये कहा कि ऐसा तो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उससे, हाँ। भी कहीं ज्यादा दयनीय अवस्था थी इस लड़की की। ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। अंजू रावत जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है, अधिवक्ता है। अंजू जी, मुझे एक बात बताइए कि ये पूरी घटना आपने सुन लिया होगा, पीड़िता को न सिर्फ उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उसको पेड़ से बांधकर उसके पति ने उसके प्राइवेट पार्ट्स तक को लहूलुहान कर दिया, उसको उसके साथ ऐसी ऐसी यातनाएं कि जैसे कोई जानवर के साथ भी व्यवहार न करता हो, और सिर्फ रेप का मामला उसके खिलाफ, आपको लगता है ये जस्टिफाइड है? देखिए जी, उसके पास उसके साथ जिस प्रकार की चोट उसको हुई है, उस तरह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो चोट है वो सिंपल हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट है, या उससे उसकी जान को खतरा हो सकता है, हाँ। इसके अकॉर्डिंग FIR दर्ज होना चाहिए, उसमें मेडिकल लीगल जो है एडवाइजर देखी जानी चाहिए, और जो ये पुलिस का इसमें ढुलमुल रवैया है ये नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक बहुत हीनियस क्राइम है कि एक बार शायद इस मामले में कॉम्प्रोमाइज हो चुका था उन पति पत्नी का। ठीक है, आप सब हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेकिंग के लिए हमें रुकना होगा अभी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर वापस आएंगे इस मुद्दे पर। सीएम मनोहर लाल खट्टर की स्क्रीनिंग कमेटी के साथ बैठक इस वक्त जारी है, बड़ी खबर आ रही है, सीएमओ में ये बैठक चल रही है, और सीएम मनोहर लाल खट्टर की स्क्रीनिंग कमेटी के साथ बैठक चल रही है। DGP यशपाल सिंघल और गृह सचिव भी इस बैठक में खुद मौजूद है, महत्वपूर्ण बैठक है, पुलिस मेडल की सिफारिश के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनी है ये, और सीएम मनोहर लाल खट्टर की स्क्रीनिंग कमेटी के साथ अहम बैठक इस वक्त चंडीगढ़ में चल रही है। चलिए, तो इस बैठक की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम एक बार फिर से अपने मुद्दे पर आते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण ये घटना है जिसके बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं। इरफान जी, आपके पास आऊंगा, उससे पहले राकेश जी हमारे साथ यहाँ है स्टूडियो। राकेश जी, ये पूरा हाल जो है आप सुन रहे हैं, आपको पुलिस प्रशासन जो है वो सवालों के घेरे में नजर आ रहा है? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, जो हमने तहरीर दी है उस तहरीर के जो भी हमारे वर्जन है उसी के बेस के ऊपर ही सारी FIR दर्ज होती है। जो फर्स्ट FIR जो रिपोर्ट दर्ज होती है वो उसी वर्जन पे होती है जो हमने एप्लीकेशन दी है। उसमें अगर हमने लिखा है कि सिर्फ हमारे साथ रेप हुआ है, या हमारे साथ ये हमारी चोटें आई हैं, हमारा लीगल मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, उसके बाद में पता चलता है कि भाई इस तरह के जो है मेरे चोट भी हैं, तो उस मतलब और सेक्शन ऐड हो जाते हैं। लेकिन पहले जो वर्जन FIR का होता है वो उसी एप्लीकेशन पे दर्ज होता है। तो जैसे आप कह रहे हो कि 376, अगर वो एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ 376 नहीं और भी सेक्शन ऐड हो सकते हैं उसके वर्जन के हिसाब से जो उसमें लिखा गया है, तो वो सेक्शन अगर पुलिस ने ऐड नहीं किए, उसने पुलिस ने अगर वो ऐड नहीं किए हैं, तो ये पुलिस की जो है लापरवाही है, और इसमें पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने जो FIR उन्होंने अपनी तरफ से लिखवाया है वो क्या, इरफान जी क्या क्या चीजें आप FIR जो आपने अपनी तरफ से दर्ज करा उसमें क्या क्या चीजें पीड़िता की तरफ से दी गई हैं? सर जो लड़की ने जो आपने बयान दिए थे, हाँ। वे पुलिस ने जानबूझकर नहीं लिखे, हाँ। और उन्होंने मिलीभगत करके ओनली एक आदमी का नाम दिखाया इस मुकदमे में। लड़की ने क्या क्या लिखवाया? लड़की ने जो उसके साथ जो घटना घटी थी उसने सारी डिटेल बताई थी, हाँ। महिला लेडीज कांस्टेबल को जो IO थी इस केस में, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर एक उस बयान नहीं लिखी जो एप्लीकेशन का आधार पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। ठीक है, अंजू जी आप सुन रही हैं पूरी सिचुएशन को, ये इरफान जी हैं, ये अधिवक्ता हैं उस पीड़िता के, आपको क्या लगता है पुलिस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? पुलिस पर ये जो आरोप लगा रहे हैं बहुत गंभीर लगा रहे हैं। अंजू जी, मैं इनसे पूछ रही हूँ सीधे सीधे कि इन्होंने लड़की के 164 के बयान करा दिए हैं क्या? हाँ, 164 के करा दिए कल,
उसके बाद आप देखिए कि क्या बात निकल करके आती है, जो वर्जन है आप उससे सेक्शन लगाइए। और जो जहां तक उस पर चोटें लगी हैं, जो इंजरी का नेचर आया है, वो सब्जेक्ट टू एमएलसी है, मेडिकल लीगल रिपोर्ट आती है, उसके बाद उसमें ऐड हो जाएंगे सेक्शन जो भी फर्दर रखते हैं, लेकिन इमीडिएट जो रिलीफ है आप वो तो दीजिए उसको। आप दोनों को रोक रहा हूँ, पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है और आरोप इन पर इरफान जी ने अभी भी लगाया कि ये आए थे लड़का पक्ष की तरफ से। इलियास जी आप गए थे? इलियास जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। आप गए थे लड़के वालों की तरफ से? ये? लड़के वालों की तरफ से आप गए थे और उनका पक्ष रखने के लिए? कहाँ? ये एक महिला है जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनका पति उनके साथ मारपीट करता है, उनके साथ हैवानियत की है, नू की ये घटना बताई जा रही है। जी आप गए थे? हाँ मैं गया था। क्या क्या सर आपको इस मामले की क्या जानकारी, आप अपना वर्जन बताइए, कैसे आप देखते हैं इस घटना को? नहीं सही बात ही है, इनकी शादी 6-7 साल पहले हुई थी, ठीक है, उसके बाद इनका मामला जो है वो महिला कोर्ट में इनकी अनबन हो गई, किस बात पे हो गई कैसे हो गई मुझे उसके बारे में कोई वैर भाव ज्यादा पता नहीं सर। तो फिर भी आप गए थे लड़के वाले के फेवर में? सुनिए ना जी, वो केस चला गया महिला सेल में, ठीक, महिला सेल से वो कोर्ट में चला गया। हाँ कोर्ट में जैसे मुझे जानकारी, मैं वो बता रहा हूँ आप। हाँ कोर्ट में जाने के बाद इनका फिर दोबारा फैसला हो गया, ठीक है, और दोबारा फैसला करने के बाद इनका घर घर वासा दोबारा जो है वो कम्प्रोमाइज होकर इनका, ठीक है, ठीक है, ससुराल में चली गई। हाँ उसी पति के साथ, ठीक है। अब 3 महीने रहने के बाद, यहाँ 3 महीने के बाद अब ये दोबारा इनका कोई डिस्प्यूट हुआ है। हाँ अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहां से लोग आए थे, नई बड़ा गाँव है, वहां से कुछ लोग आए थे बीच के बिरादरी के लोग और कुछ बहुत आगे पंचोट इकट्ठे हुए थे, ठीक, और उसमें इनका ये फैसला हुआ था कि भाई 20 दिन के लिए तुम इसे घर भेज दो। इलियास जी मुझे एक बात बताइए कि आपको पूरे घटना की जानकारी है, ये लड़की जो है, ये महिला जो है, ये आरोप लगा रही है कि इनके प्राइवेट पार्ट्स तक को लहूलुहान किया गया, डंडों से मारकर इनको पेड़ से बांधकर पीटा गया, इनको जानवरों के जैसा इनके साथ व्यवहार हुआ, उसके बावजूद आप लड़के के फेवर में खड़े थे? नहीं ऐसा नहीं, मैं हाँ। किसी के फेवर में नहीं था। हाँ और मैं इनके फैसले के लिए, इनके अधिवक्ता हैं इरफान जी, वो कह रहे हैं कि आप फेवर में गए थे और आपके दबाव में ही पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। इरफान जी बताएंगे आप? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट इलियास जी, एक मिनट सुन लीजिए इलियास जी, एक मिनट रुक जाइए सुन लीजिए क्या कह रहे हैं इलियास जी, एक मिनट सुनिए आप इलियास जी, एक मिनट सुन लीजिए आप इलियास जी, सुन लीजिए पहले आरोप सुन लीजिए इरफान जी। मंत्री जी वहाँ पर गए थे लड़के वालों के पक्ष के पक्ष गए थे, मैं भी मंत्री जी का वोटर हूँ, मैंने भी मंत्री जी को वोट दी थी आपके इन लोगों को, लेकिन मैं दलित था तो उनके साथ संघर्ष हुआ। इलियास जी एक मिनट, माफी चाहूंगा आपको, रोक रहा हूँ, सुन तो लीजिए आरोप क्या लगे। इलियास जी आप अपनी बात रखिएगा, पहले आरोप सुन लीजिए। इरफान जी बोलिए। मंत्री जी ने बिल्कुल असौम्य वर्ड बोले थे पंचायत में, हाँ बिल्कुल, इन्होंने लड़कों वालों का पक्ष किया, इतना पूरी कहानी सुनी भाई, लड़की के साथ किया हुआ, पूरे गांव में था, पूरे इलाके में था कि भाई ठीक। इलियास जी एक आखिरी कमेंट, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, एक मिनट इरफान जी एक मिनट इलियास जी आपसे एक आखिरी कमेंट चाहूंगा। आप हो सकता है उस वक्त आपको स्टोरी नहीं पता हो, आप भावनाओं में बहकर पहुंच गए, अब आपको जब पूरी स्टोरी पता है तो अब आप जाएंगे लड़की के फेवर में और कहेंगे कि नहीं भाई इसके साथ अन्याय हुआ है और मैं इसके साथ खड़ा हूँ, ऐसा करेंगे आप? देखिए अगर अन्याय हुआ होगा तो हम उसको अन्याय मानेंगे। हाँ अब जाएंगे, तब आप खड़े हुए थे लड़के के साथ जब आपको स्टोरी नहीं पता? मैं लड़के के साथ नहीं खड़ा हुआ था। हाँ मैं बिरादरी के हिस्से से गया था, मैं लड़के के हिस्से से नहीं गया। तो कम से कम आप सर एक नेता हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, इनके फैसले की हमने कोशिश। चलिए हमारे पास वक्त इतना ही, मैं हालांकि बहुत कुछ सवाल पूछने थे आप सभी लोगों से, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं और इन घटनाओं के छोटे छोटे पहलू जब सामने आते हैं तो समाज हिल जाता है, समाज का सिस्टम हिल जाता है और कई सवाल हैं जो समाज के मुंह पर तमाचे के साथ साथ कालिख भी चढ़ देते हैं, आप भी सोचिएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। Tak.